हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पैसिफिक सी फ्लोर। ठीक, जैसे कि यूपीएससी में के मेंस में इस बार क्वेश्चन आया था ताकि पैसिफिक सी फ्लोर के बारे में बताइए। तो देखते हैं कि अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें उन्हें अटेंड कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पैसिफिक सी फ्लोर की बात करें तो जाहिर सी बात है हम जो सबसे पहले बात करेंगे जिसमें वो होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये है क्या चीज? देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अगर मैं बताऊं तो दुनिया के 80% वॉल्केनोस जो कि एक्टिव वॉल्केनोस हैं वो आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर हम थोड़ा सा बैक रिवाइंड करें और मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया भी था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के बारे में। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट जो हैवियर होती है वो सबडक्ट करती है, जहाँ पर भी सबडक्ट करती है वहाँ पर वॉल्केनोस बन सकते हैं, और वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनोस बनते हैं, वॉल्केनोस क्यों बनते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सो फाइनली यहाँ पर आपकी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का मतलब ये है, यहाँ पर अगर मैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के कंटेक्स्ट में आपको बताऊँ कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पैसिफिक प्लेट, जो आपकी पैसिफिक प्लेट है वो यूरेशियन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की प्लेट से टकराती है। जब टकराती है तो पैसिफिक प्लेट क्योंकि हैवियर है तो वो सबडक्ट करती है। जब वो सबडक्ट करती है तो उससे जो पैसिफिक सी फ्लोर का क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होता है, और जिस कारण आपके फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक और वॉल्केनो आते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में 80% वॉल्केनोस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है। सबडक्ट करने से यहाँ पर आपको एक्टिव वॉल्केनोस और अर्थक्वेक दिखेगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी लोकेशन देखें ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पास हो रहा है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास हमारा बॉन्गा ट्रेंच, फिर ये न्यूजीलैंड से होते हुए पास होती है, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉन्गा ट्रेंच, फिर न्यूजीलैंड आती है, न्यूजीलैंड से पास होने के बाद ये हमारा जो ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया में जो मिंडावो ट्रेंच है, ईस्ट एशिया में हमारा मिंडावो ट्रेंच है वो आपका बेसिकली साउथ चाइना सी के पास में है, वहाँ से पास होती है, फिर ये जो जापनीज ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ से ही पास होता है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और वहाँ पर आपका जापनीज ट्रेंच बनता है, फिर ये कोरियल ट्रेंच से पास होता है, कोरियल ट्रेंच से पास होने के बाद ये बेरिंग सी से पास होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें जापनीज ट्रेंच के पास हमारा कोरियल ट्रेंच है, कोरियल ट्रेंच के पास यहाँ पे हमारी जो कंट्री होगी वो रशिया होगी, फिर ये बेरिंग सी से पास होता है, बेरिंग सी में हमारे पास में हमारा ओशियन ट्रेंच है। ठीक, फिर ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ आता है, नॉर्थ अमेरिका में जो मेजर ट्रेंच है वो कैलिफोर्निया ट्रेंच है, फिर थोड़ा सा नीचे आइए तो साउथ अमेरिका में देखिए अटाकामा ट्रेंच है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक, देखिए तो अगर मैं मेजर कंट्रीज की बात करूँ जहाँ से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पास हो रहा होगा वो है ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा यहाँ पे देखिए तो ये हमारा एशिया में कौन कौन सा होगा, ये फिलीपीन ग्रुप ऑफ आइलैंड के पास से पास हो रहा होगा, ये आपका साउथ चाइना सी से पास होगा, फिर ये जापान से पास हो रहा होगा, फिर रशिया से पास होगा, फिर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का पूरा जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से, और फाइनली साउथ अमेरिका जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से पास हो रहा होगा। देखिए फिर कंट्री से पास होने के बाद मैं आपको बताऊँ तो देखिए पूरा का पूरा जो पैसिफिक रिंग है इसमें नियर अबाउट 20,000 से 30,000 आइलैंड्स हैं जो कि मोस्टली कोरल, या तो कोरल प्रवाल के कारण बने हैं या फिर वो उनका उनकी उत्पत्ति का कारण वॉल्केनोस है। ठीक, पैसिफिक का जो सी फ्लोर बेड है उसकी औसतम गहराई मतलब एवरेज डेप्थ 4,572 मीटर की है। ठीक, पर मरीन ट्रेंच के पास यही गहराई 11,034 मीटर की, सबसे गहरा ट्रेंच हमारे दुनिया का मरीना ट्रेंच ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने भी मिड ओशनिक रीजन की बात करूँ तो
आपके जितना भी पैसिफिक ओशन का जो रीजन है उसमें बहुत ही कम मिड ओशन रीजन है, बहुत ना के बराबर मिड ओशन रीजन है। जो कुछ मिड ओशन रीजन है भी, जैसे कि एल्बेट्रॉस प्लेटू है, ठीक है, चिली चिली राइस है, ठीक है, और हवाइयन रिजेस है। तो इस तरीके से करके मिड ओशन रीजन तो हैं पर उनकी मात्रा बहुत कम है, ठीक, क्योंकि बेसिकली और उसका रीजन क्या है, जितने भी देखिए ज़्यादातर हमारे जितने भी मिड ओशनिक रीजन हैं वो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में बनते हैं, पर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज में हमारे मिड ओशनिक रीजन नहीं बने। तो यही वजह है कि यहाँ भी तो बहुत कम अमाउंट में मिड ओशनिक रीजन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखिए बेसिकली मिनरल्स में इसमें मैंगनीज नोड्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारा पैसिफिक का जो पूरा सी फ्लोर बेड है उसमें मैंगनीज नोड्यूल सबसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो मैंगनीज नोड्यूल ज़्यादा होने का क्या लाभ है, देखिए इन नोड्यूल्स में क्या है, कई तरीके के मिनरल्स हैं जैसे निकल, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयरन और सिलिकॉन, ठीक। तो हर मैंगनीज नोड्यूल्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स हैं, ठीक, पर मैक्सिमम अगर बात करूँ कि इन मैंगनीज नोड्यूल्स में मैक्सिमम परसेंटेज में अगर जो चीज़ है तो वो है हमारा आयरन और मैंगनीज, इनकी क्वांटिटी इन मैंगनीज नोड्यूल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और बेसिकली जब साइंटिस्ट लोगों ने सी फ्लोर जब पैसिफिक का सी फ्लोर को जब मैं और जब डिस्कवरी की तो उन्होंने पाया कि ये मैंगनीज नोड्यूल्स जो हैं वो डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर नीचे है, तो 4000 मीटर में 4 किलोमीटर नीचे तक है आपके मैंगनीज नोड्यूल मिलेंगे पैसिफिक सी फ्लोर में। तो देखिए अगर पैसिफिक में मैंगनीज नोड्यूल्स हैं और इतने इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, अगर ये इस टाइप के मिनरल्स हैं तो नो डाउट उस कंट्री की इकोनॉमी को तो बूस्टअप मिलना ही है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ भी बताया कि मिंडावा ट्रेंच आपका ये साउथ चाइना सी के आसपास से पास होता है, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो चाइना साउथ चाइना सी को जो स्ट्रेटजिकली अपना कह रहा है, तो दैट मीन्स उसका कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक स्वार्थ या जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो साउथ चाइना सी में छोटे छोटे आइलैंड बना के पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को वो अपना कह रहा है। और उसका रीज़न क्या है, ये मैंगनीज नोड्यूल्स क्योंकि मिंडावो ट्रेंच के नीचे है और मिंडावो ट्रेंच अपना साउथ चाइना सी के पास से पास हो रहा है, सो ये बहुत स्ट्रेटजिक स्टेप है चाइना का, ठीक है। देखिए अगर मैं एक अगले मॉड्यूल की बात करूँ तो देखिए या अगले एडवांटेज की बात करूँ या तो देखिए डेफिनेटली हम जानते हैं कि पैसिफिक सी फ्लोर जो है दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड है, क्योंकि इसमें नेक्टॉन्स का मतलब ये है, इसमें नेक्टॉन्स की मात्रा सबसे ज़्यादा है। नेक्टॉन्स का मतलब ये है क्रैब, ओस्टर्स, फिशेस और व्हेल्स, ये चारों के चारों जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कहीं ना कहीं हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं, क्योंकि जितना भी आपका सी फूड की अगर हम बात करें तो सी फूड में यही चारों कंज्यूम किए जाते हैं, क्रैब, ऑयस्टर, फिशेस और व्हेल्स, ठीक। और जो हमारा रीजन है जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक जो कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक है इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती है, चाइना, जापान, फिलीपींस और साउथ कोरिया, तो कहीं ना कहीं ये जो चारों कंट्रीज की जो कोस्ट लाइन है जहाँ से ये पूरा का पूरा पैसिफिक रिम पास हो रहा है वो इकोनॉमिकली इन कंट्रीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ये बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड है और ये इन्हीं चार कंट्रीज से पास होता है और यहाँ पे मिलते क्या हैं, नेक्टॉन्स, क्रैब, ऑयस्टर, फिशेस, व्हेल्स,
जो कि सी फूड है ठीक, और कंट्रीज अपने अपने यहाँ की जो भी फूड रिक्वायरमेंट है वो इनसे पूरा करती है, और प्लस उसके बाद अगर उसके पास एक्सेसिव क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसे एक्सपोर्ट कर देती है ठीक। दूसरा जो फिशिंग ग्राउंड है वो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक। ये नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक पास होता है ग्रैंड बैंक से और जॉर्ज बैंक से, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक से पास होता है ठीक। और जो हमारा चौथा है सॉरी जो हमारा तीसरा है वह साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, जो कि पेरू और चिली का जो कोस्टल एरिया है साउथ अमेरिका में वहाँ से पास होता है। तो देखिए अगर मैं मिनरल्स और फिशिंग ग्राउंड की बात करूँ तो ये किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है, और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, और जिस भी कंट्रीज के पास अगर ये दोनों रिसोर्सेज अच्छे हैं तो दैट मीन्स उसकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। सो अगर इसी पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसिफिक का जो सी फ्लोर है वो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए इट इज ऑफ हाईली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। थैंक यू।